गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग चैप्टर 9 में क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा वीडियो। तीन वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग अब इसमें चौथा वीडियो पढ़ेंगे। पहले वीडियो में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था क्या होता है, दूसरे वीडियो में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सबट्रैक्शन, तीसरे वीडियो में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कुछ ऐसे फार्मूले होंगे तीन चार जिनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन लगाने होंगे। तो मैं तीन चार जो फार्मूले आपको इस चैप्टर में यूज करने हैं आगे दो एक्सरसाइजेज में, वो फार्मूले मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहला फार्मूला आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप लोग जब लिखते हैं इसको आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं कहीं आपको, लेकिन सही ये है जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, आइए अगली आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो ये ऐसे होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ये कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा के निकाल सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। तीसरी जो आइडेंटिटी है जिसके बारे में हमको बात करनी है वो है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा था, फिर से मैं बता देता हूँ। एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए माइनस बी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और फार्मूला है जिसमें मान लो आपके पास लिखा है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इस फॉर्मेट में आता है, मतलब यहाँ कुछ जो है वो सेम है। मान लो यहाँ लिखा है वाई प्लस थ्री, यहाँ लिखा है वाई प्लस फोर, तो हम लोग जो फार्मूले का यूज करेंगे वो फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस फार्मूले के यूज से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे। आइए अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं और चारों टाइप के जो फार्मूले मैंने आपको बताए इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। तो हम लोग सीधे आपकी एक्सरसाइज पे चलेंगे, वीडियो को पॉज करके इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम अब सीधे एक्सरसाइजेस पे चलते हैं, देखते हैं कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है। लेट्स ट्राई सेवन की ओर हम लोग चलते हैं। लेट्स ट्राई सेवन में सबसे पहला जो आपका लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई सिक्स जो है जिसमें तीन क्वेश्चन है, इसमें आपको ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करके केवल आपको वेरीफाई करना है। तो ये आप काम आप खुद से कर लेंगे, केवल तीन क्वेश्चन है, जहां ए है वहां, जहां बी है वहां जो वैल्यू दी हुई है, जहां क्यू है वहां जो वैल्यू दी हुई है, रख के निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं, लेट्स ट्राई सेवन का क्वेश्चन नंबर वन। इसमें सवाल है पी माइनस सेवन और पी प्लस सेवन। आप ध्यान से देखो, अगर आइडेंटिटी याद करो जो मैंने चारों आपको लिखाई, तो ये लिखा है ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए दोनों में है और सेवन भी दोनों में, एक जगह ए माइनस बी एक जगह ए प्लस बी, इस तरह का कुछ ये दिख रहा है जो यहाँ पी माइनस सेवन पी प्लस सेवन लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिखते हैं माइनस बी ए प्लस बी को, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स हमारे पास पी का स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर ये बन जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी का स्क्वायर माइनस 49 इतना आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अगला जो एक्सरसाइज है, अगला जो क्वेश्चन, इसमें हर तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उसको इस वीडियो के को देखने के बाद आइडेंटिटी को नोट करने के बाद उसको लगाइए। तो इसमें वन वाले क्वेश्चन में ढेर सारे हैं, आप जिन जिन भी आइडेंटिटी का यूज हो उसको आप लगाएंगे। दूसरा देखो, इसमें एक सेकंड का ये वाला क्वेश्चन है 98 का स्क्वायर, 98 के स्क्वायर को यूजिंग आइडेंटिटी अगर हम लोग लगाएंगे तो हम इसको लिख देंगे 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 100 माइनस 2 क्या आ जाएगा 98, तो हम इसको लिखते हैं 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी आपको दिख रहा है a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना। अब आपका ये a है ये b है, आप सीधे सीधे वैल्यू रख दो, a स्क्वायर मींस 100 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू a की वैल्यू 100 इनटू b की वैल्यू 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इसी को एक्सपेंड कर दो आप, 100 का स्क्वायर कर देंगे आप 10,000 आ जाएगा, माइनस 100 टू जा 200 टू जा 400 और प्लस 2 टू जा 4, अब आप इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10,404, ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम इसका निकालेंगे, अगर
98 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अगर हम यूजिंग आइडेंटिटी निकालेंगे तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे देखो इसमें एक और क्वेश्चन इसी तरह का कुछ दिया हुआ है, आप उसको कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है 102 का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इसी में ये a हो गया ये b हो गया, इसमें रख के आप एक्सपेंड कर देंगे तो सीधे सीधे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए, जैसे एक इसमें आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन 81 का स्क्वायर माइनस 59 का स्क्वायर। आप देखो ये खुद ही लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप इसको लगाएंगे तो a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में। a प्लस b मींस 81 प्लस 59 एक ब्रैकेट में आपका हो गया और 81 माइनस 59 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। 81 प्लस 59 आप करेंगे 9 और 1 10, 8 और 5 13 और 1 14, 140 आ जाएगा और इनटू इसको माइनस कर देंगे 11 से 9 जाएगा तो 2 और यहां 7 बचेगा, 7 से 5 जाएगा तो 2। ठीक है, अब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे जो वैल्यू आ जाएगी 22 0 0 22 4 88 carry 8 21 1 21 और 8 30 3080, इतना आंसर आपका आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तब मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 22 0 0 22 4 88 carry 8 22 1 22 और 8 30। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं वो तीसरे वाले वीडियो में पूरा ना हो पाता, बड़ा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने सोचा कि एक नया वीडियो बता के चौथा आप लोगों को इसको समझा दूं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो अगले वीडियो से पढ़ेंगे, जो आपका अगला चैप्टर है और अगले चैप्टर का नाम है आपके, इसमें मैं आपको देख के बता देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अब हम इसमें सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।